2024 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेले जाने वाले हैं 11 से 17 जनवरी के बीच, इसके लिए जो इंडिया टीम का स्क्वाड है, इंडिया टीम का 15 सदस्य का टीम का ऐलान हुए हैं आज। सबको लग रहा था जो सूर्या कुमार यादव है, सूर्या कुमार यादव शायद जो अफगानिस्तान का सीरीज है जो खेले जाएंगे 11, 14 और 17 जनवरी को, इस मैच के लिए शायद जो सूर्या कुमार यादव है उसको रेस्ट दिया जा सकता है। बट जो सूर्या कुमार यादव है, सूर्या कुमार यादव को कैप्टन करते हुए जो अफगानिस्तान के साथ खेले जाएंगे 3 मैचों का T20 सीरीज, इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। जो टीम इंडिया है वो है कुछ इस तरह से, शुभमन गिल जो है इंडिया टीम का ओपनर, यशस्वी जायसवाल जो शुभमन गिल के साथ ओपन कर सकते हैं, इसके बाद है ऋतुराज गायकवाड़ जो और एक ओपनर है इंडिया टीम का, इसके बाद है इंडिया टीम का कैप्टन सूर्या कुमार यादव, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तिलक वर्मा, इसके बाद है जो मिडिल ऑर्डर खेलते हैं वो है रिंकू सिंह, विकेट कीपर संजू सैमसन। इंडिया टीम में 2 विकेट कीपर रखा गया है और एक है जितेश शर्मा, कुलदीप यादव जो एक स्पिनर है, इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, यानी 2 स्पिनर ऑलरेडी रख चुके हैं इंडिया और तीसरा स्पिनर का भी साथ निभाएंगे वो है रोबी बिश्नोई, इसके बाद है वाशिंगटन सुंदर जिसको एक ऑलराउंडर माना जाता है और एक फास्ट बॉलर अक्षदीप सिंह, और इसके बाद आते हैं मुकेश कुमार और लास्ट में जो है वो है दीपक चाहर। ये है जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेले जाएंगे, इसके लिए टीम इंडिया का स्क्वाड, जो स्क्वाड है स्क्वाड ठीक ठाक है, जो 2024 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए या फिर नहीं वो अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप है इसमें रोहित शर्मा का कैप्टन होना चाहिए या फिर नहीं, ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।